दोस्तों आप सभी के लिए व्हाट्सएप के कुछ इससे ट्रिक का रिव्यू ले आया हूँ आपके सामने, जो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएंगे और साथ में आपके काम भी आएंगे। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों, आपको आज दिन तक किसी ने इन ट्रिकों के बारे में बताया होगा भी नहीं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं व्हाट्सएप के खास चार ऐसे ट्रिक ले आए हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो या व्हाट्सएप पर कुछ भी यूज कर रहे हो। तो दोस्तों बड़े कमाल के ये जो ट्रिक है, चारों ये बड़े कमाल के ट्रिक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर एक व्हाट्सएप यूजर हो, खासकर हमारी प्यारी बहनें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि जो ये ट्रिक का मैं रिव्यू लिया हूँ, काफ़ी टाइम खोजने के बाद में दोस्तों इस तरह के ट्रिक हमें मिले हैं जो आज आपके सामने बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बड़ा मजेदार होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल सिंह, आप देख रहे हो सेल टेक्निकल 70 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करना। दोस्तों आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर दीजिए। दोस्तों आइए मैं आपको आज चार व्हाट्सएप के न्यू ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको काफी पसंद भी आएंगे, साथ आपके काम भी दोस्तों बहुत ज्यादा आने वाले। तो आइए सबसे पहला अपना एक नंबर का, आप दोस्तों किसी के साथ मान लो चैट कर रहे हो तो आप शॉर्ट के अंदर सेट कर सकते हो। आपके पास अगर टाइम कम है और आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा चैट करना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक ले आया हूँ जिससे आप शॉर्टकट में ही चैट कर सकते हो कम समय में। दोस्तों जैसे व्हाट्सएप हमने ओपन किया और आप किसी के साथ मान लो चैट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप चैट करते हो, कुछ भी लिख रहे हो, इस तरह से आप कीबोर्ड में पहले आपको सेंड करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, परंतु दोस्तों अब आप कीबोर्ड के अंदर नीचे की तरफ जहाँ टाइप कर रहे हो वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर करने का। ठीक है, अब दोस्तों बताता हूँ कि इस सेटिंग को आप कैसे इनेबल करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, सेटिंग पर क्लिक करना और दोस्तों यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना, सॉरी चैट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर इज सेंड, इस सेटिंग को आपको कर देना है ऑन। इसको ऑन करने के बाद में दोस्तों आपके कीबोर्ड पर नीचे की तरफ आपको सेंड करने का ऑप्शन डायरेक्टली ही मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप शॉर्ट में चैट कर सकते हो किसी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप पर आने वाले मीडिया को हाइड करना चाहते हो या गैलरी से किसी को भी हाइड करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी होगी। अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप को ओपन कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ सेटिंग पर क्लिक कीजिए और दोस्तों चैट पर क्लिक कीजिए और यहाँ दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी। इस मीडिया विजिबिलिटी को अगर आपने ऑफ करके रखा है तो दोस्तों आपके जो भी वीडियो ऑडियो व्हाट्सएप पर आने वाले कोई भी आपके गैलरी के अंदर सेव नहीं होगा, और अगर इसको ऑन करके रखा है तो जो भी वीडियो ऑडियो आएंगे वो सारे के सारे आपके गैलरी के अंदर सेव हो सकते हैं। और दोस्तों ये आप पूरे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो और अगर आप किसी पर्सनल बंदे पे करना चाहते हो तो उसके लिए थर्ड नंबर ट्रिक ले आया हूँ। मान लो आपने किसी एक बंदे की चैट गैलरी से हाइड करनी है तो आप प्रोफाइल पे जाइए और दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अगर पर्सनल बंदे की हाइड करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ नो पर क्लिक करके और ओके पे डन कर लीजिए, ताकि पर्सनल बंदे की भी आपकी जो आने वाली मीडिया है उसको हाइड कर सकते हो आप किसी भी एक बंदे का। ये भी कमाल का ट्रिक है। अब आते हैं चार नंबर का ट्रिक जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। दोस्तों आप व्हाट्सएप पर किस ग्रुप के साथ जुड़े हो या आप व्हाट्सएप पर क्या एक्टिविटी कर रहे हो या व्हाट्सएप पे आपने जितनी तमाम एक्टिविटी की है वो दोस्तों एक मिनट के अंदर आप पता लगा सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के अंदर। दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना और दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करना, यहाँ आपको अकाउंट पर क्लिक करना और दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें दोस्तों आपको आप अपने व्हाट्सएप की जो तमाम एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी कंप्लीट देख सकते हो और व्हाट्सएप के जरिए मंगवा के। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना होगा, रिपोर्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको तीन दिन बाद में इस तरह से यहाँ रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी जो आपने किसी के साथ शेयर किया है ऑडियो वीडियो या आप किसी ग्रुप के अंदर शेयर की तमाम एक्टिविटी है वो सारी की सारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी कमाल की जो ट्रिक जो आज मैंने बताई, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होंगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और मेरे को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।